जम्मू कश्मीर के शोफिया में जिला खनन अधिकारी ने अन्य खनन अधिकारियों के साथ अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए रामी आरा के कई स्थानों का दौरा किया। डीएमओ माजिद अजीज ने कहा कि इस तरह के निरीक्षण साल भर होते रहते हैं। कभी कभी अवैध उत्खनन करने वाले आधी रात में खनिज निकालते थे। डीएमओ खनन अधिकारी ने अब तक 2 JCB, 160 ट्रैक्टर, टीपर और 18 लाख का जुर्माना व नगद जब्त किए हैं। एबीडी न्यूज के लिए आशिक अली की ये रिपोर्ट। जी सर, बहुत मुश्किल हो रहे थे, हम बहुत शुक्र गुजार है जब से ये काम बंद हो गया, इलीगल काम हो गया बंद, हम बहुत शुक्र गुजार है गवर्नमेंट के, डिपार्टमेंट के। हम बहुत आज हमने सारे आपके साथ सारे डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया, आपने देखा कहीं कोई इलीगल माइनिंग नहीं हो रही थी। और मैं आपके इस चैनल के वसादत से लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी कोई इलीगल करता है हमें इन्फॉर्म करे, हम उस पर उसी टाइम एक्शन करेंगे। इस साल मैंने 107 गाड़ियाँ सीज की है और मैंने जो कंपाउंड फाइन जो रिकवर किया है लगभग 19 लाख का फाइन भी रिकवर किया है। तो हम इसके खिलाफ है, इलीगल माइनिंग हम होने नहीं देंगे। हमें अभी दिन में तो ऑलमोस्ट हमारा कंट्रोल है, कहीं इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है। अभी अगर रात को भी कहीं हमें रिपोर्ट आती है तो हम रात में इस पर एक्शन करते हैं।